ਰੁਕਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਈ ਪਸ਼ੂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਲਦੀਪ ਟਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਪਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਲੋਕ ਪੀ ਸਕਦੇ ਨੇ बीमारी नूं रोकण लई सरकार यतन कर रही है यह भी मंत्री साहब ने बयान दिता दस दी कि सूबे च इस वेले पशु जिहड़े ने लंपी स्किन बीमारी दे नाल लगातार उन्हां दे मरण दी खबरां ने अजे विचकार वड्डा नुकसान जिहड़ा है वह हो रहा है पशु पालकां दा उत्थे ही लंपी स्किन बीमारी ते कुलदीप टालीवाल दा हुणे बयान सामने आया जिथे उन्होंने कहा कि इस बीमारी नूं नाल जिठण लई सरकार यतन कर रही है लेकिन इस इन्हां पशुआं दे दुध पीण नाल कोई नुकसान नहीं है उन्हें कहा कि दुध नूं उबाल के बिना डरे लोग पी सकते हैं ही लोगों को जागृत कर रहे दहशत है दुध च अजे कोई प्रॉब्लम नहीं आई दुध पी सकते उबाल के कोई दिक्कत नहीं आ रही नहीं इदा की कोई गल नहीं गई किसी को दहशत नहीं होना चाहिए पंजाब सरकार हर संभव कोशिश कर रही है हर तरह असी इस बीमारी रोकने जो भी करना पाया पंजाब सरकार करूगी साडा पशु पालन महकमा जिहड़ा वो पिछले चार पाँच दिन तो बहुत काम कर रहा है जिथे भी लोड़ पैंदी है साडे डाक्टर जा रहे हैं साडियां दवाइयां जा रही हैं मैं पंजाब दे लोकां नूं कहूँगा इह तों डर दी लोड़ नहीं गी अही मतलब हर संभव पंजाब दे जिहड़े साडे पशु पालण वाले लोग जिहड़े जिन्हां को गाइयां मझां उन्हां दे नाल चटान दी तरह खड़े